तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जो कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट यूज करते हैं, मेनली गाइस ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भी आईफोन का डिवाइस यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास गाइस आप लोगों के दिखाने के लिए यहाँ पर एडेप्टर है, क्योंकि काफी लोगों को एडेप्टर के अंदर और जो उसकी जो ओरिजिनल केबल आती है उसके अंदर ही दिक्कत देखने को मिल जाती है। क्योंकि गाइस भले ही यार केबल आप कितनी भी ठीक से आप यूज करो, कभी ना कभी तो खराब होती होगी, तो आप लोगों को बाद में नहीं तो लेनी पड़ेगी। तो यार ऐसा नहीं होता कि भाई सभी जगह पे सभी सिटी के अंदर तो यार एप्पल स्टोर देखने को मिले, तो आप जो लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन मंगाते हो तो यहाँ पर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप जो ओरिजिनल जो 20W का एडाप्टर होता है उसे आपको कैसे फाइंड करना है कि भाई वो ओरिजिनल है, और जो केबल आती है उसे आपको कैसे यहाँ पर जानना है कि भाई ये भी ओरिजिनल है या फिर नहीं, तो आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। वैसे गाइस आप लोग यार यहाँ पर मैं बता दूं तो आपको यूट्यूब के ऊपर ढेर सारी इस टाइप की वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर जो यार उनके तरीके से बता दिए गए कि भाई ऐसे आप जो चेक कर सकते हैं। बट गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि भाई आप लोगों को 110% यहाँ पर पक्का पता चलेगा कि भाई वो जो केबल या फिर जो चार्जर है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। आज तक गाइज जो कुछ भी यहाँ पर मैं जो टिप्स आप लोगों को बताऊंगा चेक करने की, वो जो आप लोगों को आज तक किसी ने भी अपने वीडियो के अंदर नहीं बताए होंगे, इस तरीके के मैं यहाँ पर कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। मैंने सब कुछ जो प्रैक्टिकली करके देखा है, इवन मैंने जो स्टोर के अंदर जाकर भी उसे चेक किया है, तब मैं जाकर ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ भी यार पोपट हो गया था, तो उसके वजह से मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं जो सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। मेरे पास भी यार एक जो है डुप्लीकेट चार्जर मुझे देखने को मिल चुका था जो मेरे आईफोन 12 के साथ मुझे दिया था दुकान वाले ने, तो मैंने जो उसे चेंज करके लाया हूँ। लेकिन गाइज जो कुछ भी मेरे पास फोटोज वगैरह पड़े हैं उसके जो मैं आप लोगों को सैंपल सब कुछ साइड में दिखाऊंगा या फिर वीडियो के आगे में सब कुछ समझाऊंगा जिसमें आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो गाइज चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से गाइज मैं पहले आप लोगों को बोलूंगा भाई वीडियो एंड तक का जरूर देखना, क्योंकि यार वीडियो एंड तक देखने से पहले ही आप डिसाइड करते हैं भाई वीडियो अच्छा है या फिर बुरा है, आप जो वहीं से यार चले जाते हैं। तो चलो फटाफट से जो हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर टेबल के ऊपर सब कुछ आप लोग चीजें देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी जैसे कि चार्जर है, ये जो मैग्नेट है, तो उससे आप लोगों को कैसे चेक करना है ये बताऊंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर आप लोग जो इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को आसानी से पता चलेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो सबसे पहले तो भाई जी यहाँ पर जो ऊपर आप लोग जो दो फोटो देख सकते हैं, जहां पर मैंने जो मेरा इससे पहले वाला जो चार्जर था उसके जो कुछ फोटो दिखाए है, बिकॉज गाइज उस चार्जर के अंदर मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो यहाँ पर जो बॉक्स के ऊपर जो सीरियल नंबर जो देखने को मिल जाता है वो जो सीरियल नंबर C4H से स्टार्ट हो रहा था, बट मेरे चार्जर के ऊपर जो सीरियल नंबर होता है जो लास्ट में यहाँ पर आया, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फोटो के अंदर मैंने मार्क भी करके रखा है, तो वहां पर जो F से स्टार्ट हो रहा था, मतलब गाइज दोनों जगह पे अलग अलग सीरियल नंबर देखने को मिल रहा था, दैट मीन्स कि ये चार्जर डुप्लीकेट है। अब गाइज मैं आप लोगों को बता दूं तो मैं स्टोर के अंदर चला गया था, तो स्टोर के अंदर गाइज मैंने जो है चेक किए सभी चार्जर, जितने भी मेरे फ्रेंड लोग यूज करते उनके भी चेक किए, जो जिन लोगों ने अपने ऑथराइज स्टोर के अंदर जाकर जो डिवाइस लिया था उसके साथ ही एडेप्टर लिया था, तो उनका भी सेम मैंने चेक किया, तो उनका C4H से स्टार्ट हो रहा था। और गाइज मैंने स्टोर वाले से भी एक बात की जो मेरे जान पहचान वाला था, तो उसने बताया कि भाई जो भी चार्जर के ऊपर सीरियल नंबर C4H से स्टार्ट होता है तो वो जो है ओरिजिनल चार्जर है, ये जो है उसने बताया। और मैंने जो है यार मेरे काफी फ्रेंड्स के चेक किए, यहाँ पर मैं आप लोगों को फोटोज भी दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते मेरे फोन के ऊपर फोटोज है, तो मैंने जो यहाँ पर काफी लोगों के चेक किए तो यार सभी के मतलब इनमें से दो लोगों के ही ओरिजिनल चार्जर देखने को मिले मेरे को, नहीं तो बाकी के तो डुप्लीकेट देखने को मिल रहे थे। बाकी ये तो डुप्लीकेट ही है क्योंकि इसके ऊपर तो नाम देखने को मिल जाता है, बट गाइज जो मेरे हाथ में अभी चार्जर है ना ये ओरिजिनल चार्जर है, तो इसके ऊपर जो C4H से यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है, मैं जो आप लोगों को साइड में स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगा, तो वो जो C4H से स्टार्ट हो रहा है, जो बॉक्स के ऊपर हमें C4H देखने को मिल रहा था वही सेम C4H से स्टार्ट हो रहा है, तभी आप लोगों को उस चार्जर को बाय कर लेना है। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर R से या फिर F से बाहर किसी से भी हो आप लोगों को चार्जर को बाय नहीं करना,
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ C4H वाले जो है ओरिजिनल चार्जर देखने को मिल जाते हैं, और डिब्बे के ऊपर आप लोगों को सिर्फ स्टिकर जो है ओरिजिनल देखने को मिल जाता है, जो C4H के नाम से देखने को मिल जाता है। लेकिन डिब्बे के अंदर भाई देखा, डिब्बे के अंदर हमें जो है बेवकूफ बनाया जाता है, यहाँ पर जो ओरिजिनल चार्जर की जगह डुप्लीकेट चार्जर देखने को मिल जाता है। अब जो गाइस सेकंड टिप्स में बताना चाहूंगा, सेकंड टिप्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो पोर्शन ये देख सकते हैं आप लोगों को, मैं पास से दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर जो व्हाइट के बीच में जो ग्रे का पोर्शन है यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है, तो इसके बीच में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा भी गैप देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पर मैं आप लोगों को हल्का सा पास लेके दिखा दूं तो इसके यहाँ पर थोड़ा सा भी गैप नहीं है। इवन मेरा बाल जो है इसके अंदर भी नहीं जाएगा, इसके नाखून के ऊपर से ऐसे मैं रगड़ूंगा तो भी मुझे पता चलता है कि भाई ये जो एकदम प्लेन सरफेस है यहाँ पर थोड़ा सा भी गैप नहीं है। बट गाइस आप लोगों को मैं बता दूं तो जो मैंने लिया था चार्जर उसके अंदर जो थोड़ा सा गैप था, हल्का सा एकदम ना के बराबर गैप था, लेकिन गैप था, तो वो जो फर्स्ट कॉपी था। अब जो इसके अंदर भी यार डुप्लीकेट के अंदर भी कुछ ऐसे आते हैं जो फर्स्ट कॉपी के अंदर दिख तो आप लोगों को वैसा दिखेगा, बट यहाँ पर जो गैप देखने को मिल जाएगा हल्का सा, और यहाँ पर सीरियल नंबर अलग देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज सेम टू सेम चार्जर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट गाइज यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर गैप होगा तो चार्जर नहीं लेना, और दूसरी बात गाइज यहाँ पर C4H से स्टार्ट होना चाहिए तभी आप लोगों को लेना है। यहाँ पर देख सकते हल्का सा भी गैप नहीं है और यहाँ पर C4H लिखा है, और जो भी ये पेंटिंग है जो भी ये प्रिंट किया है ये जो यार हालांकि डुप्लीकेट चार्जर के अंदर भी ऐसा का ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ दो चीजों से यहाँ पर फाइंड करना है ओरिजिनल चार्जर, एक तो भाई यहाँ पर C4H से स्टार्ट होना चाहिए, दूसरी बात गाइज यहाँ पर आप लोगों को गैप नहीं होना चाहिए इन दो पोर्शन के बीच में, हल्का सा भी गैप नहीं यहाँ पर चाहिए, एकदम सेम टू सेम आप लोगों को लेना है तभी आप लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब जो गाइस ये तो हो गई बात चार्जर की, एडाप्टर की, अब जो बात करते हैं भाई यहाँ पर जो है केबल की। भाई केबल के लिए भी आप लोगों को कुछ टिप्स देखने पड़ेंगे। अब जो नए केबल आप लोगों को अगर स्टोर के अंदर से लेते हो तो वहां पर आप लोगों को केबल के ऊपर अगर बारीक से देखोगे आप लोग तो केबल के ऊपर जो कुछ लिखा होता है, मैं जो आप लोगों को यहाँ पर फोटो दिखाऊंगा जो मेरे केबल के ऊपर लिखा है, क्योंकि मैंने जो है यार जो केबल मैंने ली थी तो उसके अंदर जो है देखने को मिल गया था, तो मैं जो फटाक से आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को आएगा से यहाँ पर कुछ देखने को मिला होगा, यहाँ पर कुछ तो प्रिंटिंग किया है, और ये जो गाइस धीरे धीरे मिट जाता है, ये आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो ज्यादा दिन नहीं रहता यहाँ पर यूज करते करते ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाता है, तो इसके लिए जो आप लोग अब जब भी नया खरीदोगे तभी आप लोगों को चेक करना है, ये जो धीरे धीरे यहाँ से चला जाता है इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और ये जो यहाँ पर जो नंबर होता है, जो भी कोड होता है, वो जो है कुछ लिखा होता है उसके आगे जो 12 डिजिट का आप लोगों को यहाँ पर 12 वर्ड का यहाँ पर जो कुछ लिखा होता है तो उसे आप लोगों को 12 डिजिट का देख लेना है और तभी ले लेना है। लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है, डुप्लीकेट केबल के ऊपर प्रिंटिंग नहीं होती क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता गाइस, इवन गाइस मुझे भी खुद को पता नहीं था, बाद में मैंने स्टोर वाले से पूछा तो उसने बताया और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके पास केबल है, आप लोगों ने अभी लिया है तो आप जो चेक कर सकते हैं। अब जो दूसरी मेन बात, ये जो नाम कभी भी मिट सकता है तो इसको आपको देखना है सेकंड टाइम, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट में आपको क्या देखना है कि भाई आपका जो केबल है वो जो है मैग्नेट से चिपकता है या फिर नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेट से चिपक रहा है, लेकिन गाइस मेरे पास जो पहला केबल था मैंने जो लोकल मार्केट से लिया था वो जो चिपकता नहीं था। अब फिलहाल वो आई गेस मेरे पास वीडियो होगा तो मैं यहाँ पर साइड में कहीं तो लगा दूंगा जो मैंने ऐसे ही निकाला था, तो क्योंकि यार पिन तो मैंने उसे जो है चेंज करके लाया हूँ उसके दुकान से, तो उसके वजह से अभी फिलहाल तो पिन नहीं है, लेकिन वीडियो होगा तो यहाँ पर साइड में दिखा दूंगा। तो ऐसा आप लोगों को चिपकना काफी ज्यादा जरूरी है, जो हमारे फोन के अंदर जाता है ना लाइटिंग वाला वो जो यहाँ पर चिपकना काफी ज्यादा जरूरी है, अगर चिपकेगा तभी जो ये ओरिजिनल है। उसके बाद आप लोगों को सीरियल नंबर को चेक करना है, भले सीरियल नंबर आपका मिट जाता है तो आप लोगों को ये टिप्स देख लेना है कि यहाँ पर मैग्नेट से चिपकता है या फिर नहीं। बस इतने ही आप लोगों को दो टिप्स देख लेने हैं, उसके बाद आप लोग डेफिनेटली उसे परचेस कर सकते हैं, आपको कहीं से भी यहाँ पर जो कोई भी इश्यू नहीं देखने को मिलेगा। तो दैट्स इट गाइज, यार आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज गाइज आज तक आप लोगों ने ऐसा वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं देखा होगा जिसके अंदर मैंने इस तरीके से आप लोगों को सब जो डिटेल में बता दिया है। तो वीडियो पसंद आती तो लाइक तो एक यार बनता ही है, और नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा भाई आपके साथ आपका ओरिजिनल चार्जर है या फिर डुप्लीकेट केबल है यार, वो सब कुछ जो बता दीजिएगा। तो मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर टिल देन एंड बाय बाय।